प्रियंका फ्रॉम एटिक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट। जैसे कि इस आप सीरीज में देख सकते हैं, हमारे पास है टॉल 48, 13, राइस और 99, 76, 32, वाइस, जार, हाई 28, 56, 12। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है उसमें आ रहा है 13, जो कि है हमारे पास फर्स्ट पे आ रहा है। उसके बाद टॉल 48, राइस 99, 76, 32, वाइस, जार, हाई 28, 56, 12 एंड ऑट। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर चेंजेस क्या आए हैं, 13 हमारा फर्स्ट पे आया है और ऑल्ट हमारा लास्ट पे आया है। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम इसको किस अकॉर्डिंगली सॉल्व करें, हम देखेंगे अब अपने फाइनल स्टेप जो कि है इसमें सेवेंथ स्टेप। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास पहले नंबर्स आ रहे हैं, देन अल्फाबेट में आ रहे हैं वर्ड्स हमारे। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली हम अपना फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास इसमें 99, 76, 56, 48, 32, 28, 13, ऑल, बारन, हाई, जार, राइस, टॉल, वाइस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स है अल्फाबेटिक सीरीज है वो हमारे पास छोटे से बड़ा होता जा रहा है, और जो हमारे पास नंबर है वो छोटे से बड़े इस साइड पे हो रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स हमारी लेफ्ट साइड पे हो रहे हैं, और जो हमारे पास अल्फाबेटिक है वो राइट साइड पे आएंगे। अब हम इसको अरेंज करेंगे अपनी फाइनल स्टेप के अकॉर्डिंगली हमारा इनपुट को। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या चेंज हुए हैं, फर्स्ट स्टेप में 13 एंड ऑड, तो मैं लेफ्ट साइड से हमारा 13 का चेंज हुआ है तो मैं 13 को L1 का नाम दे दूंगी, ऑड को R1 का नाम दूंगी क्योंकि वो राइट साइड से चेंज है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 13 से बड़ा नंबर, दैट इज योर 28, तो 28 को मैंने L2 का नाम दे दिया। सिमिलरली जो 12 है उसको मैंने R2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 32, L3 एंड हाई इज योर R3, 48 L4 एंड जार इज योर R4। नेक्स्ट 48 से बड़ा है हमारे पास 56 L5 राइस R5। योर नेक्स्ट इज नंबर, नंबर को हम लेते हैं L6 एंड नेक्स्ट इज योर टॉल, दैट इज योर R6 एंड 99 L7 एंड वाइस इज योर L7। तो अब हमारे लास्ट जो सी हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमें काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें अपने इनपुट आउटपुट किस अकॉर्डिंगली सेट करने हैं अगर हमें बीच में से पूछा जाए, तो आपकी उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी हम बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। पहले हम इसको सिंपली सॉल्व करके बताती हूँ, मैं बीच में से स्टेप नंबर 4 को उठाती हूँ कि मेरे को स्टेप नंबर 4 किस अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। अब हमारे पास है L1, फोर्थ स्टेप को करना है तो L4, L3, L2, L1, ये मैंने 4 to 1 तक सीरीज लिख ली है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज है दैट इज अकॉर्डिंग योर L1, L2, L3, L4, L5, L6,
L7. Here's your R1, R2, R3, R4, R5, R6 and R7. तो इधर भी हम उसी अकॉर्डिंग लिंक को सेट करेंगे. That will be your R1, R2, R3, R4. आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास जो L4 to L1 exactly same ऐसा ही हमने लिखना है. That is हमें arranging किस accordingly करनी है. पहली वाली हमारी वीडियो में हम simply arrange करते थे अपनी numbers को उसके alphabets के accordingly. अब इसके अंदर हम arrange करेंगे that is our final step के accordingly, जैसे कि मैंने आपको last video में भी बताया था हमें final step के accordingly अपना setup रखना होता है. तो हमारे पास अब L1 से लेके L4 और R1 से लेके R4 तक हमने लिख दिया है. अब जो बाकी बची हुई terms है वो सारी बीच में आ जाएगी. That is your R6, अब first से start कर रहे हैं हम. R6, L4 हम यूज कर चुके हैं इसलिए दोबारा से नहीं लिखेंगे उसके बारे में. L1, LR5, then next is your L7, L6, L7, R4 हम यूज कर चुके हैं, R3 हो चुका है, L2 भी हो चुका है and last one is your L5. ये हमारी सीरीज नंबर फोर्थ को बताता है कि हमारे पास फोर्थ सीरीज में कौन सा है. अब हमें अगर पूछा जाए कि हमारा फोर्थ सीरीज के अंदर फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है, फोर्थ अल्फाबेट हम कैसे पहचानेंगे इसके अंदर, दैट इज 1, 2, 3 and 4. फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज L1. और L1 पे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हमारे पास फोर्थ नंबर पे 13 नंबर आएगा. अब हम ऐसे ही एक और इनपुट को लेते हैं और उसके थ्रू ट्राई करते हैं कि हमें कैसे इसको लिखना है. अब हम इस सीरीज को अरेंज करेंगे अपने फाइनल स्टेप के लिए. क्योंकि हमारे पास इनपुट है, हमें पता है कि सीरीज कैसे सेट करनी है. अब इस इनपुट को हम, इस क्वेश्चन को हम बेसिकली इसको फिट करेंगे अपने फाइनल स्टेप के लिए. L1 14. पहले हम लेंगे नंबर्स को, देन लेंगे अल्फाबेट सीरीज को. नंबर्स L1, नेक्स्ट इज योर 27, L2, L3, 32. नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा है हमारे पास, 51, L4, 68, L5, 84, L6 and 92, L7. अब हमने नंबर सीरीज को अरेंज कर लिया है दैट इज L1 छोटे से बड़े की सीरीज में. नेक्स्ट आता है, अब हम अल्फाबेटिक सीरीज को सबसे पहले नंबर कर देंगे ताकि हमें पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाए कि कौन सी पहले आएगी और कौन सी बाद में. I is your 9, F is your 6, V is your 22. अब अल्फाबेटिक सीरीज में हमारे पास आता है R1 सबसे पहले, देन फीट जो कि है 6 नंबर पे, R2 पे, नेक्स्ट इंक R3 पे, नॉट R4 पे, नेक्स्ट अब 14 से बड़ा इज योर 19, तो R5 पे, नेक्स्ट 15 दैट 19 से बड़ा आ जाएगा हमारे पास वेन, that will be on R6 and Y is your R7. अब इसको हम अरेंज करेंगे अपने, ये हमारे फाइनल स्टेप के अकॉर्डिंग ही अरेंज है. मैं आपको बीच में से एक थर्ड स्टेप बना के दिखा देती हूँ, स्टेप नंबर थर्ड. तो स्टेप नंबर थर्ड को हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं L3, L2, L1 और दूसरी साइड से, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी चल रही है एंड राइट हैंड साइड से भी चल रही है, तो हम इसलिए दोनों साइड से लिखेंगे R1, R2 एंड R3. क्योंकि थर्ड स्टेप है दैट्स व्हाई हम 3 तक लिखेंगे इसकी काउंट. नेक्स्ट अब हमने यहां तक 3 L से भी ले लिए, 3 R से भी ले लिए. अब इसको हम बाकी जो ये सीरीज है इसको उसी अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे जो हमारे पास
R3 से बड़े नंबर होंगे एंड L3 से बड़े नंबर होंगे। सबसे फर्स्ट है L6, R7, R5, L1, L2 हम L3 हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट R4, R1 हो चुका है यूज, R3 हो चुका है, R2 भी यूज हो चुका है। नेक्स्ट आती है L4 एंड L6, L5 एंड L7। तो ये हमारी थर्ड सीरीज रेडी हो जाती है। अब इसको हम चाहे तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं अल्फाबेटिक, बट हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो हम डायरेक्टली अगर हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्ड ट्रैक के रिलेटेड, तो हम इसको ऐसे ही आंसर दे देंगे। सपोज कीजिए हमें इसमें पूछा गया है कि हमारे पास इसका सिक्स नंबर बताना है, सिक्स पोजिशन पे, लेफ्ट से सिक्स पोजिशन पे हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। तो इसको हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दैट इज R5 आपका सिक्स पोजिशन पे आ रहा है। तो R5 देख लीजिए आपका कौन सा नंबर है, R5 इज योर सेट। तो हमारे पास इसके अंदर ये आंसर बन जाएगा, सेट इज योर आंसर। थैंक यू। For more videos, you can also subscribe us.